हेलो फ्रेंड्स, क्लास ऑफ थिंग्स के मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स हु हैव सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक्स अ लॉट टू ऑल द व्यूअर्स हु यूज टू व्यू माय चैनल और माय वीडियोस। आप सभी के लिए आज मैं लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो, जो कि है हॉस्पिटल कैपेसिटी। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ आपके बहुत काम आ सकती है। हॉस्पिटल कैपेसिटी आप कैसे बढ़ा सकती हैं? सब ये क्वेश्चन आते ही सबसे पहले आता है कि हॉस्पिटल का लेवल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हॉस्पिटल कैपेसिटी होगी। जी हाँ, एक बेसिक सी चीज़ है कि हॉस्पिटल का लेवल, अगर आपका हॉस्पिटल का लेवल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी हॉस्पिटल कैपेसिटी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी हीलिंग स्पीड होगी। ये एक बेसिक और कॉमन चीज़ है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कैस्टल में मिनिमम 7 और मैक्सिमम 8 है हॉस्पिटल्स रखे ही रखें। 8 हॉस्पिटल रहेंगे और सबके सब मैक्सिमाइज लेवल पे अपग्रेड रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका ही प्रॉफिट है, आपकी हॉस्पिटल कैपेसिटी बढ़ेगी। उसके अलावा कौन कौन से तरीके हैं हॉस्पिटल कैपेसिटी बढ़ाने का? ड्रैगन ग्लास, जी हाँ, ड्रैगन ग्लास ऑफ मर्सी, जो कि लेवल 10 का ड्रैगन ग्लास होता है। ये भी हीलिंग स्पीड हॉस्पिटल कैपेसिटी को सपोर्ट करता है। जैसे कि ये गोल्ड लेवल का ड्रैगन ग्लास है, तो इसके एट्रीब्यूट देखते हैं। हीलिंग स्पीड +25%, हॉस्पिटल कैपेसिटी +40,000, हीलिंग कॉस्ट रिडक्शन -20%, और हीलिंग स्पीड +15%। ये तो मेरा रैंडम एट्रीब्यूट है, जो कि मैंने स्पेंड करके या फिर रैंडमली जो डेली मेरे को दो मिलते हैं चांसेस प्योरीफाई करने के, उसकी हेल्प से मैं लेके आया। वो आपके ऊपर है कि आप हीलिंग स्पीड को रैंडमाइज एट्रीब्यूट हीलिंग स्पीड पे रखते हो हॉस्पिटल कैपेसिटी, दैट इज़ योर प्रेफरेंस। ओके, ये हो गया ड्रैगन ग्लास की हेल्प से। उसके बाद आता है एक मेथड, एक इजी सा मेथड जो कि ड्रैगन हीलिंग स्पीड बढ़ा सकता है, वो है ड्रैगन स्किल। जी हाँ, ड्रैगन स्किल्स की हेल्प से आप हीलिंग स्पीड आराम से बढ़ा सकते हैं। मैंने देखिए अब स्किल्स अपग्रेड कर करके हीलिंग स्पीड +12% कर रखी है, और इसे मैंने अपने क्रैकन में इंस्टॉल कर रखा है। ये हो गया दूसरा तरीका बढ़ाने का। इसके बाद क्या, सबको पता है इसके बाद क्या, एक बेसिक कॉमन चीज़ इसके बाद यही है हीलिंग या हॉस्पिटल कैपेसिटी बढ़ाने का, वो है इक्विपमेंट सेट। जी हाँ, इक्विपमेंट सेट हर लेवल के हैं हॉस्पिटल कैपेसिटी बढ़ाने के और हीलिंग स्पीड बढ़ाने के, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी लेवल 30 से लेके लेवल 43 तक के इक्विपमेंट्स हैं जो कि हॉस्पिटल कैपेसिटी को सपोर्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेपन की। जी हाँ, कौन सा आप वेपन यूज़ करोगे लेवल 30 का, जो कि आपको मैक्सिमाइज हॉस्पिटल कैपेसिटी देगा? तो उसमें आता है कॉन्क्वेस्ट वेपन। कॉन्क्वेस्ट वेपन कॉन्क्वेस्ट सेट में आपको मिलेगा। कॉन्क्वेस्ट सेट में फर्स्ट लेवल 30 का कॉन्क्वेस्ट वेपन, जो कि हॉस्पिटल कैपेसिटी को +30% बढ़ाता है। इट्स ह्यूज, साथ ही साथ ये अटैक्स को भी सपोर्ट करता है। तो ये बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट सेट है जिसे आप फोर्स कर सकते हैं 30% की हॉस्पिटल कैपेसिटी। ये हो गया वेपन की बात। इसके बाद आते हैं आर्मर। आर्मर हमें मिलेगा, आर्मर में गए और यहाँ पे देखिए आर्मर ऑफ हॉनर लेवल 43 का ये आर्मर है, जो कि हॉस्पिटल कैपेसिटी को +33.98% इज़ अ ह्यूज अमाउंट। इतना साथ ही साथ ये ट्रिपल लोड को भी, बिल्डिंग स्पीड और ट्रैप अटैक को भी सपोर्ट करता है। ये आर्मर ऑफ हॉनर भी हॉस्पिटल कैपेसिटी के इंक्रीमेंट के काम आ सकता है। इसके अलावा अब बात करते हैं लेगिंग्स की, मतलब कि लेग आर्मर। लेग आर्मर में आप देख रहे हैं घोस लेगिंग्स टॉप पे ही दिया हुआ है। ये हॉस्पिटल कैपेसिटी 31.68% के इंक्रीमेंट देता है। ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। साथ ही साथ ट्रिप लोड, ट्रैप अटैक, वुड गैदरिंग स्पीड और डिपोट कैपेसिटी को भी सपोर्ट करता है। तो घोस लेगिंग्स लेवल 30 का इक्विपमेंट सेट है, इसे आप फोर्स कर सकते हैं, जो 30% की ये इंक्रीमेंट देगा। अब आते हैं बूट्स पे। बूट्स कौन सा यूज़ करें? चेन बूट्स।
देखिए चेन बूट्स हॉस्पिटल का जो 31.68% का इंक्रीमेंट दे रहा है, साथ ही साथ ये मार्चिंग स्पीड को भी 15% का इंक्रीमेंट, ट्रैप अटैक, ट्रूप लोड और मिथाइल इनकम को भी 39%, साथ ही साथ रैंडम एट्रीब्यूट्स भी देगा कुछ, चाहे वो एट्रीब्यूट्स गैदरिंग स्पीड पे हो सकते हैं या फिर वो इनकम पे हो सकते हैं, रिसोर्स इनकम पे, या फिर कोई हॉस्पिटल कैपेसिटी या अटैक कुछ भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट सेट है जो कि हॉस्पिटल को, ये हो गए बूट्स की बात। इसके बाद आते हैं रिंग, कौन सी रिंग आप यूज़ करेंगे लेवल 30 से लेकर लेवल 45 के लिए, जो कि आपकी हॉस्पिटल कैपेसिटी को इंक्रीमेंट करे। तो इसमें मैं आपको बोलूँगा कि आप यूज़ करो यस फेथ रिंग। आप देख सकते हैं फेथ रिंग हॉस्पिटल कैपेसिटी को ट्वाइस इंक्रीमेंट कर रही है, वो भी 22.46%। इट्स अप्रॉक्स 44 to 45% का इंक्रीमेंट हॉस्पिटल कैपेसिटी, इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो आप इसे भी फोर्थ कर सकते हैं। अब आप देखिए जो मैंने आपको बताया है इक्विपमेंट सेट, ये सारे के सारे लेवल 30 to 45 के, अगर आप ये अपने हीरो जो कि हॉस्पिटल कैपेसिटी को पे फोकस रहता है, वो रूफस है, मेनली रूफस जो है वो हॉस्पिटल कैपेसिटी को सपोर्ट करता है, तो अगर आप इन सारे सेट्स को मिलाएंगे लेवल 30 to 43 को, तो ये लगभग लगभग 170% का इंक्रीमेंट दे रहा है हॉस्पिटल कैपेसिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट है, इसका मतलब अगर आपने ये लगा लिया तो आपकी हॉस्पिटल कैपेसिटी 170% जो नॉर्मल हॉस्पिटल कैपेसिटी है उससे 170% ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा, अगर 4000 है तो मतलब लगभग लगभग आपके 12 4000 है तो मतलब लगभग मतलब 24, आप देख सकते हैं 100% से ज़्यादा। अगर आपके मेरी हॉस्पिटल कैपेसिटी लगभग लगभग 4 देखिए 2 लाख के आसपास है, बल्कि इसमें मैंने अभी कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सारे बर्ब्स इक्विपमेंट सब सब अनपैक कर रखे हैं, कोई भी इक्विप नहीं कर रखा है। तो मेरी हॉस्पिटल कैपेसिटी अप्रॉक्स अप्रॉक्स 1-2 लैक्स के आसपास है। तो मतलब अगर 170% का मैं इंक्रीमेंट करता हूँ अपनी हॉस्पिटल कैपेसिटी, तो लग 100-200 मतलब 6 लैक्स के आसपास पहुँच जाएगी। तो 6 लैक्स इज़ अ ह्यूज अमाउंट, मतलब अगर मेरे पे अटैक हुआ तो 6 लाख सोल्जर्स मेरे वॉन्डेड होंगे, इट्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ सोल्जर्स। अब बात करते हैं कि जो लोग लेवल 30 या लेवल 30 to 43 के इक्विपमेंट्स अगर नहीं फोर्ज कर सकते हैं, तो वो क्या कौन से इक्विपमेंट यूज़ करें, कौन से लेवल के यूज़ करें जिससे उनकी हॉस्पिटल कैपेसिटी बढ़ सके। तो अब मैं आपको बताऊँगा लेवल 15 से लेकर लेवल 25 तक के इक्विपमेंट सेट्स जो कि आप फोर्ज कर सकते हो अगर आपको हॉस्पिटल कैपेसिटी बढ़ानी है। तो उसमें सबसे पहले आता है आर्मर, वो आता है ब्रेवरी आर्मर। ब्रेवरी आर्मर ब्रेवरी सेट में आपको मिलेगा, ये देखिए ब्रेवरी स्केल आर्मर, ये हॉस्पिटल कैपेसिटी को +33% बढ़ाता है, ये भी बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है, +33% का हॉस्पिटल कैपेसिटी का। ये लेवल 25 इक्विपमेंट सेट है, तो ये आप आसानी से फोर्ज कर सकते हैं, इसमें मटेरियल भी ज़्यादा नहीं लगना है। इसके अलावा पेल्ट ब्रीचेस, ये आपके आता है लेग आर्मर में, ये देखिए लेवल 20 लेग आर्मर है ये, तो ये पेल्ट ब्रीचेस नाम है हॉस्पिटल कैपेसिटी का, ये +16% हॉस्पिटल कैपेसिटी बढ़ाता है, साथ ही साथ हीलिंग स्पीड का +30% का इंक्रीमेंट देता है। ये भी बहुत अच्छा इक्विपमेंट सेट है और वो भी लेवल 20 का, तो ये भी आप आसानी से फोर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बूट्स की बात की, तो कौन सा बूट आप यूज़ कर सकते हैं, बूट में देखा जाए तो बूट्स ऑफ विदार्डी, तो अगर इस बूट का देखा तो मार्च स्पीड का इंक्रीमेंट कर रहा है +6%, हॉस्पिटल कैपेसिटी का +13% और ली और हीलिंग स्पीड को भी ये सपोर्ट कर रहा है +25%। तो ये भी एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट सेट है, वो भी लेवल 15 का, जिसे आप आसानी से फोर्थ कर सकते हैं।
इसके अलावा बात करें रिंग की, तो रिंग में आते हैं स्कॉलर रिंग। जी हाँ, स्कॉलर रिंग 19-20% का इंक्रीमेंट देती है हॉस्पिटल कैपेसिटी में, साथ ही साथ हीलिंग स्पीड का में भी 36% का इंक्रीमेंट देती है। ये भी बहुत अच्छे एट्रीब्यूट है। तो ये आ गई लेवल 15 से लेकर लेवल 25 तक के। और अगर इन एट्रीब्यूट्स को अगर आप रूफस या फिर अपने किसी भी हीरो पे, जो कि हॉस्पिटल जिसकी स्किल हॉस्पिटल कैपेसिटी पे फोकस्ड है, उस पर अगर इक्विप करेंगे, तो ये अप्रॉक्स 83% का इंक्रीमेंट देगी आपको। ये सेट लेवल 25 तक के सेट आपको 83% का इंक्रीमेंट देगी। मतलब अगर मेरा हॉस्पिटल मेरी हॉस्पिटल कैपेसिटी 2 लाख है, तो लगभग मेरी हॉस्पिटल कैपेसिटी वो बैठ जाएगी 3.5 से 4 लाख के आसपास, मतलब वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है, ये बहुत ही अफोर्डेबल इक्विपमेंट सेट है, जिसे आप आराम से फोर्ज भी कर सकते हैं, इजीली फोर्ज कर सकते हैं। मैं तो ये बात कहूँगा लेवल 15 से लेवल से लेके लेवल 25 के इक्विपमेंट सेट हम बहुत ही आसान फोर्ज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारे पॉसिबल वेज बता दिए क्या कि कैसे आप हॉस्पिटल कैपेसिटी का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपके अफोर्डेबल सेट्स कौन कौन से हैं। चाहे आप लेवल 30 का अगर अफोर्ड कर सकते हैं, लेवल 30 फोर्ज कीजिए, लेवल 43 का कर सकते हैं। लेवल 43 अगर नहीं करना चाहते हॉस्पिटल कैपेसिटी पे इतना ज़्यादा, तो लेवल 25 इमरजेंसी के लिए, लेवल 25 के अप्रॉक्स का तो सेट आपको अपने पास रखना चाहिए एज अ बैकअप प्लान फॉर सम एक्सीडेंटल अटैक्स ऑन ए कैस्टल्स। तो ठीक है फिर, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो लाइक कीजिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए अगली टॉपिक के बारे में, कि कौन सी टॉपिक पे आपको मेरा वीडियो चाहिए। और मैं ऐसे ही आपके लिए क्लास ऑफ किंग के नए नए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।